प्रिय छात्रों, आज के इस कालांश में हम लोग हिंदी खंड काव्य की शुरुआत करते हैं। हिंदी खंड काव्य का पाठ एक है पवन दूतिका, और पवन दूतिका के रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔर। इनका संक्षिप्त परिचय आप लोग जाने। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी में आजमगढ़ जनपद के निजामाबाद नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता भोला सिंह उपाध्याय जी थे। इनकी माता का नाम रुक्मिणी देवी। इनकी मृत्यु 6 मार्च 1947 ईस्वी को हो गई। इनकी कृतियां आप लोग जाने। प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, पारिजात, चुभते चौपे दे, चोखे चौपे दे, रस कलश तथा अधखिलापूर्ण, एक हिंदी का ठार, ये दोनों उपन्यास भी इन्होंने लिखा। रुक्मिणी परिचय नामक नाटक को भी इन्होंने ही लिखा। इस तरह से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने हिंदी साहित्य की जो अद्भुत सेवा की, इसके लिए यह हिंदी साहित्य इनका ऋणी है और सदा ऋणी रहेगा। अब इसके आगे आप लोग इनके पहले पद्य पर ध्यान दें। बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दीर्घ युगल में थे धरा को भिगोते। देखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने बीरा से कातर राधा जी की व्यथा का इस पद्य में बड़ा ही मार्मिक ढंग से चित्रण किया है। वे कहते हैं कि एक दिन की बात है, राधिका जी अपने घर में अकेली बड़ी ही दुखद अवस्था में बैठी हुई थी। आके आंसू दीर्घ युगल में थे धरा को भिगोते। उनकी दोनों आंखें भगवान कृष्ण के विरह में सोच सोच कर आंसुओं से भरी हुई थी, और वे आंसू उनकी आंखों से टपक कर वहां की धरती को भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध बोले। अब आप लोग ध्यान दें, हरिऔध जी कहते हैं कि प्रातः काल का समय था, और आप लोग जानते हैं कि प्रातः काल चलने वाली पवन की अद्भुत स्वाद, अद्भुत सुगंध होती है। वही प्रातःकालीन पवन फूलों की उत्तम गंध को लिए हुए राधिका जी के कक्ष में चली आई। प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से वह सुंदर सुगंधित पवन राधिका जी के कक्ष में खिड़कियों के रास्ते प्रवेश की। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो आई धीरे सदन में पुष्प सदगंध बोले। प्रातः वाली सुपवन किसी काल वातायनों से वह प्रातःकालीन पवन अपने साथ फूलों की उत्तम गंध को लिए हुए, उत्तम सुगंध को लिए हुए
उनके कक्ष की खिड़कियों के रास्ते उनके कक्ष में प्रवेश की। अब आप लोग दूसरी कविता पर ध्यान दें। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुप उससे श्रीमती राधिका यो। देखिए हरियावती ने यहाँ पर राधिका जी के दुखों को व्यक्त किया है, जो भगवान कृष्ण के मथुरा चले जाने के पश्चात निरंतर उन्हीं के बारे में सोचती रहती थी और सोचते सोचते दुखों में डूबी रहती थी। उसी समय का चित्रण हरियावती करते हैं। कहते हैं कि संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, जब प्रातःकालीन पवन राधिका जी के कक्ष में प्रवेश की। वैसे तो आप लोग जानते हैं कि प्रातः काल की जो पवन होती है ये सबको अद्भुत सुख प्रदान करने वाली होती है, अद्भुत आनंद देने वाली होती है, किंतु राधिका जी भगवान कृष्ण के विरह में अत्यंत व्यग्र थी, अत्यंत बेचैन थी। इसलिए जो प्रातःकालीन पवन सबको अद्भुत आनंद की आभास कराती है, वही प्रातःकालीन पवन राधिका जी के दुखों को क्षण प्रति क्षण बढ़ाने का काम करती जा रही थी। जब इनका दुख क्षण प्रति क्षण बड़ी बेतरतीब गति से बढ़ने लगा, उससे अत्यंत दुखी होकर के राधिका जी धीरे से उस पवन से बोली, उस प्रातःकालीन हवा से कही, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। इन्होंने प्रातःकालीन हवा से कहा कि यह प्रातःकालीन हवा तुम मुझे इतना क्यों परेशान कर रही हो, इतना क्यों बेचैन कर रही हो, मेरे दुखों को इतना क्यों बढ़ा रही हो। मैं तो वैसे ही भगवान कृष्ण के विरह में अत्यंत दुखी हूँ, दुख की दरिया में निरंतर निमग्न रहती हूँ, और तू इन दुखों को और भी बढ़ाने का काम कर रही हो। मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि आखिर तू ऐसा काम क्यों कर रही हो, क्या तुम भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि समय तो हम पर वैसे ही अपनी भृकुटी चढ़ाए हुए है, समय तो वैसे ही हमारे विरुद्ध है, और ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार से समय हमारे साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार कर रहा है, उसी की क्रूरता को देख करके, उसी की निर्दयता को देख करके तुम ही निर्दयता पूर्ण व्यवहार मेरे साथ कर रही हो। अब आप लोग तीसरे पद पर ध्यान दें। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, यहां पर देखिए हरियावती ने राधिका जी के मुख से भगवान श्री कृष्ण के विचित्र और आकर्षक व्यक्तित्व का चित्रण किया है। आप लोग इस पर ध्यान दें। राधिका जी पवन दूतिका से कह रही हैं कि हे पवन दूतिका, मेरे प्यारे श्री कृष्ण नवीन बादल के समान रंग वाले हैं, अर्थात उनकी शरीर नए बादल के समान रंग वाली है, एवं उनके नेत्र खिले हुए कमल के समान सबको आकर्षित कर लेने वाले हैं, सबके मन को अपने वश में कर लेने वाले हैं। जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा,
राधिका जी पवन दूतिका से कह रही हैं कि वो यहाँ से मधुबन गए और हमसे यह कह कर गए कि मैं वहाँ जा तो रहा हूँ, अति शीघ्र लौटूंगा और जाते ही आपके पास वहाँ पहुँचने का आपको संदेश भी दूंगा, किंतु आज तक उन्होंने मेरे पास कोई भी संदेश नहीं भेजा, कोई भी अपना समाचार नहीं भेजा जिससे उनके बारे में सोच सोच करके मेरे हृदय की बेचैनी क्षण प्रति क्षण बढ़ती चली जा रही है। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। राधिका जी कहती हैं कि मैं अपने प्रियतम श्री कृष्ण के विरह में सोच सोच करके निरंतर रोती रहती हूँ। रोते रोते मेरी दशा पागल सी हो गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि मैं अपने मन को अब नियंत्रित नहीं कर पाऊंगी, अपने आत्मा को अब नियंत्रित नहीं कर पाऊंगी। मेरी आत्मा मेरा मन निरंतर उन्हीं से जुड़ा हुआ है, उन्हीं से बंधा हुआ है और उनके बिना एक पल भी जीना मेरे लिए दुश्वार है। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। हे पवन दूतिका, मेरी यह सारी दुखद कथाएं तू श्याम के पास पहुंच करके भली भांति सुना देना। ऐसा आशा करती हूँ कि जब वे हमारी इस दुखद कथा को सुनेंगे, जब उन्हें पता चलेगा कि उनके विरह में मेरी क्या स्थिति है, मैं कितनी पागल हो गई हूँ, तो वो निश्चित ही अपने को नहीं संभाल पाएंगे और हमारी शुद्धि लेने के लिए, हमारे कुशल क्षेम जानने के लिए वो अवश्य ही मेरे पास अति शीघ्र पहुँचेंगे।